लेदर के पट्टे से क्यू मार खाते थे रवि किशन, छुप छुप कर क्यू पहनते थे माँ की साड़ी, दूसरों की बारात में ठुमके लगाने क्यू पहुंच जाते थे, 500 रुपए लेकर अपनी जान बचाने के लिए क्यों भागे थे। भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और अब सांसद बन चुके रवि किशन की सफलता की कहानी सभी ने देखी है, लेकिन सफलता के पीछे का संघर्ष बहुत कम लोग जानते हैं। माँ के लिए 500 रुपए लेकर अपने घर से भागने वाले रवि किशन एक दिन देश भर में इतना नाम कमा लेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान रवि किशन ने अपनी जिंदगी के कई राज खोले, अपनी कहानी के ऐसे पन्नों से जनता को रूबरू करवाया जिन्हें लोग शायद कभी हकीकत नहीं मानते। अपने इंटरव्यू के दौरान रवि किशन ने अपनी कला के प्रति अपने प्रेम की कहानी बताई। बचपन से रवि किशन को गीत संगीत का बहुत शौक था, अगर वो कहीं भी संगीत सुनते तो उनके पैर खुद ब खुद थिरकने लगते थे, इसीलिए बारात किसी की भी हो रवि किशन नाचने के लिए जरूर पहुंच जाते थे। आपको जानकर हैरानी भी होगी कि रवि किशन शौक से चोरी भी किया करते थे, और चोरी कहीं और नहीं बल्कि हनुमान जी के मंदिर में होती थी। रवि किशन बताते हैं कि हनुमान जी का मंदिर था, वहां शनिवार को पैसे चढ़ते थे ज्यादा, लोग भगवान को पैसों का तिलक लगाते और मैं राउंड मार के पैसे मार लेता था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वे अपने पिताजी की दुकान से भी पैसे चुराया करते थे। रवि किशन ने कहा, पैसे चुराने पर बहुत पिटाई होती थी, लेदर का पट्टा होता था वो पट्टे से मारते थे, और इसीलिए आज मैं बहुत मजबूत हो गया हूँ। लेकिन एक बार रवि किशन को अपने पिताजी से ऐसी पिटाई पड़ी कि उन्हें अपनी जान बचाने के लिए घर से भागना पड़ा। इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये बात सही है, संगीत बजता था तो मेरे पैर खुद ब खुद थिरकने लगते थे, कोई भी संगीत हो, किसी की भी बारात हो, मैं नाचने लगता था। फिर रामलीला में मौका मिला सीता जी बनने का, माँ की साड़ी लेकर जाता था और पिताजी बहुत मारे थे हमको जब उनको पता चला, बोलते थे नचनिया बनेगा क्या। आगे रवि किशन ने बताया कि उस दिन जिस तरीके से उनके पिताजी ने उन्हें मारना शुरू किया था, उन्हें ऐसा लगा कि वो नहीं बचेंगे, पिताजी काफी देर तक उन्हें मारते रहे और उस दिन उनके मन में ये बात आ गई थी कि आज शायद उनका आखिरी दिन है। उनकी माँ को भी कुछ वैसा ही लगा, इसीलिए उनकी माँ ने उन्हें मौका देखकर 500 रुपए दिए और वहाँ से भाग जाने को कहा अपनी जान बचाने के लिए। रवि किशन ने इस बात पर जोर डाला कि उस दिन उन्हें एक बार के लिए ऐसा लगा था कि अगर वो नहीं भागे तो उस दिन वाकई वो नहीं बच पाएंगे। आगे अपने पिता के लिए उन्होंने कहा कि उनको नहीं मालूम था कि ये अद्भुत सा देश इसी नचनिया को सांसद और सुपरस्टार बना देगा। तो आपने जाने रवि किशन की जीवन की कहानी के कुछ ऐसे किस्से जो कि वाकई अगर उनके मुंह से बाहर ना आते तो कभी कोई इन पर यकीन ना करता। ऐसे ही और दिलचस्प कहानियों के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।